हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3A अपने चैप्टर 3 में से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिए हैं और आपके पास ऑलरेडी चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ मैन आफ्टर अ टूर फाइंड्स डैट ही हैड स्पेंट एवरी डे एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ डेज ही हैड बीन ऑन टूर। इट मीन्स अगर एक पर्सन 10 डेज के लिए टूर पे गया तो एवरी डे वो 10 रुपीज स्पेंड कर रहा है। एक दिन में 10 रुपीज करेगा तो 10 डेज में कितने करेगा, 10 × 10 = 100। 10 × 10 मीन्स स्क्वायर निकाल रहे हम किसी नंबर का। ऐसे उसने इतने पैसे टोटल स्पेंड किए और हमने ये फाइंड करना है हाउ लॉन्ग डिड ही टूर लास्ट, कितने डेज तक उसने टूर स्पेंड किया, मतलब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा लेट द नंबर ऑफ डेज ही हैड स्पेंड, उसने कितने डेज स्पेंड किए हमने लिख लिए, एक्स डेज स्पेंड किए। और कितनी मनी स्पेंड करेगा एवरी डे, वो भी एक्स रुपीज़ है, क्योंकि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी। सपोज एक पर्सन 10 डेज के लिए जा रहा है कहीं पे तो वो एवरी डे 10 रुपीज़ स्पेंड करेगा, ये क्वेश्चन की हमें उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है। देन टोटल मनी उसने इतनी स्पेंड की है। अगर कोई पर्सन 1 डे में एक्स रुपीज़ स्पेंड कर रहा है तो एक्स डेज में कितना करेगा, एक्स इंटू एक्स दैट इज 1296। एक्स इंटू एक्स क्या होता है आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर। और हमें किस, हमें क्या वैल्यू चाहिए, एक्स की चाहिए, नंबर ऑफ डेज एक्स है ना, तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं फाइंड करनी। तो अगर इस साइड एक्स स्क्वायर होता है तो आपको यहाँ पे क्या बना देना होता है, रूट। इस साइड का स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। और आपको क्या फाइंड करना है, अब इसका स्क्वायर रूट, वो आप सबको आता है। कैसे फाइंड करते हैं हम, बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 2 के टेबल में चला जाएगा ये, यहाँ पे अगेन 2 के टेबल में जा रहा है ये नंबर, देन आप 3 के टेबल में चला जाएगा 27 पे, 3 9 एंड अगेन 3 पे चला गया। पेयर्स देखने हैं, हमारे सारे पेयर्स बन रहे हैं। और आपको क्या सिखाया था मैंने, पेयर्स पहले लिख लेने होते हैं और हर पेयर में से जो नंबर पेयर बन रहे हैं एक डिजिट बाहर ले लेना है आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पेयर्स बन रहे हैं 2 × 2 = 3 × 3, देन 2 × 2 = 4 × 9, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 36। इट मीन्स उसने कितने डेज अपने स्पेंड किए हैं, 36 डेज हमारा आंसर आ गया। एंड अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता तो 1 डे में कितनी मनी स्पेंड कर रहे हैं, वो भी 36 रुपीज़ है। आपको क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, कैसे अपने समझना है। स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखनी है तब आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से पूरी स्टेटमेंट बनानी और पूरा सॉल्व करके दिखाना है, इसको भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 745 स्टूडेंट्स मैक्सिमम आर टू बी अरेंज्ड इन द स्कूल फील्ड फॉर अ पीटी डिस्प्ले सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ द नंबर ऑफ रोज इज 16 स्टूडेंट वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज। कितनी रोज आएंगी, टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, द डिस्प्ले डैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और कॉलम जहाँ सेम हो तब भी आपने समझ लेना है कि ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, तभी सेम होंगी। जैसे 5 रोज 5 कॉलम तो एक में कितने आए, 5 × 5 = 25 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बनाने हैं। जब हमने ऐसे अरेंजमेंट की, उनके 16 स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट रह गए, अब हमें बताना है अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रोज कितनी है। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ने दिए हुए हैं 745। कितने स्टूडेंट्स बच गए अरेंजमेंट से जो पूरे नहीं आए रोज एंड कॉलम में, 16। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रोज एंड कॉलम में अरेंज किए हैं वो हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 729। हम सपोज कर लेते हैं कि हमें पता ही है कि नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल, हम कोई वैल्यू ले लेते हैं एक्स, नंबर ऑफ रोज भी एक्स ले लेते हैं, कॉलम्स भी एक्स। टोटल नंबर कैसे आएगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, एक्स इंटू एक्स। टोटल बच्चे जो अरेंज हुए हैं, अगेन मैंने क्या समझाया था, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर। और आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ रोज निकालनी है, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। तो हम 729 का क्या फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 3 4 एंड 3 3, अगेन 3 के टेबल में जा रहा है और बाकी सारा नंबर भी 3 के टेबल पे ही डिविजिबल है, आपको पता है ऑलरेडी। हम देख लेंगे पेयर्स बन रहे हैं, यस हर पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा और इन तीनों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई।
एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 27। तो कितनी रोज हैं और कॉलम्स भी कितने होंगे, 27 रोज हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बताया, 13 and 31 इज अ स्ट्रेंज पेयर ऑफ अ नंबर सच डैट देयर स्क्वेयर्स आर 169 and 961 आर ऑल्सो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखिए 13 1 3 3 1 देन यहाँ पे 169 69 961 सेम नंबर बस डिजिट चेंज हो गए, 9 आगे आ गया और 1 पीछे चला गया। ऐसे हमें कोई टू मोर पेयर्स ढूंढने जिनका ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम नंबर सोचते हैं ऐसे और कौन से हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऐसा एक्सट्रेंज पेयर 12 and 21 भी है। जैसे 12 का क्या स्क्वायर रूट होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 21 का स्क्वायर होता है 441। अरेंज हो गया 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये भी वैसे ही मिरर इमेज ही है 144 एंड सेकेंड नंबर कौन सा है 441। ऐसे हम एक और पेयर ले सकते हैं, वो है हमारे पास 102। इसका स्क्वायर क्या होगा 102 का, एंड दूसरा पेयर भी लिख लेते हैं, वो नंबर है 201। अब हम इनका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं दोनों नंबर्स का। 102 का स्क्वायर होगा 102 into 102 दैट इज 10404। हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को। एंड 201 का स्क्वायर क्या होगा, 201 into 201 दैट इज 40401 अगेन 40401 सेम पेयर्स। तो हमें दो नंबर दो पेयर्स मिल गए 12 and 21 and 102 and 201। ये दोनों पेयर्स हमने अपने फाइंड कर लिए। देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 4 5 6। हमें कोई ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो इन सब के टेबल पे डिवाइड हो। हमें वो नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जो इन सब से डिवाइड भी हो सके। तो सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, इन सब का क्या फाइंड कर लेना है एलसीएम। आपने इसको स्टार भी मार्क कर लेना है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है अच्छे से। सबसे पहले 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 1 4 as it is 5 as it is 3 2 2 2 के टेबल में 2 2 4 और 2 1 2 अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं ये, और देन 5 के टेबल में। यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 3 into 2 into 2 into 5 दैट इज 3 2 6 2 12 5 60। ये एलसीएम आ गया। अब आपने ध्यान से देखना है, अगर हम 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, 60 के जब फैक्टर आएंगे तो यही आएंगे ना 2 into 2 3 into 5, क्योंकि ये इसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करके आगे इसके प्राइम फैक्टर भी यही आएंगे। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसके पेयर तो कंप्लीट हैं पर इन दोनों के पास इनके पेयर्स नहीं हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा अपने नंबर को बाय 3 and 5 दैट इज़ 3 into 5 15। 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 into 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 into 15 900। तो हमारा जो परफेक्ट नंबर हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो क्या आ गया हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 900। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए होंगे पहले उनका एलसीएम लेना है, एलसीएम के जो प्राइम फैक्टर्स उनके सामने लिखे हैं वो एज इट इज लिखे हैं, पेयर जिनका नहीं बन रहा उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और आपका पेयर जिसे आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। 900 वो डिजिट है जो इन सब के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा बट ये डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना है आपने। यहाँ पे हमें 784 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 28, और हमें उन्होंने बोला है इसको यूज़ करके हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी। इट मीन्स हमें 784 की वैल्यू ऑलरेडी दी है, आपको इनका सीधा स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना, सीधा इसी वैल्यू को यूज़ करके हम निकाल लेंगे अभी कुछ सेकंड्स में। देखिए सबसे पहले आपको इसका डेसिमल हटाना है, नीचे आ गया 100, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ 784 लिखना हो इनटू 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर ही आएगा। इन दोनों के ऊपर अपने इंडिविजुअल स्क्वायर रूट से 784 का स्क्वायर रूट हमें ऑलरेडी बता दिया है 28, तो हमने लिख दिया स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, यहाँ पे यही होगा 28 into 10।
इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.8 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दिया 280। अब आपको सिंपली 280 में 2.8 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 282.8। सिंपल, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था ये पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट आप एक बार ट्राई करें और हम भी सॉल्व करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, 0.08784 प्लस 0.000784। देन सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया, आपको डेसिमल रिमूव कर देना है यहाँ से। कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, तो डेसिमल के बाद आपको 1 के बाद 4 जीरोज़ लगानी है। यहाँ पे भी 784 लिख दें ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगेन हमें पता है 784 का स्क्वायर रूट क्या है, 28, और 10,000 का क्या होगा, 2 जीरो से 10 बनता है, 100 का स्क्वायर रूट 10, और इसका भी स्क्वायर रूट क्या होगा, 10, तो 10 × 10 100 आ गया। अगेन 28, यहाँ से भी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 100 का 10, इसका भी 10, इसका भी 10, तो 10 × 10 × 10 यहाँ पे आ गया 28/100, और यहाँ पे आ गया 28/1000। इसका डेसिमल कैसे लगाएंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के, और इसका डेसिमल पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, 3 जीरोज़ है ना, 1, 2, 3 छोड़ के 1 जीरो लग गई, डेसिमल लगा दिया। अब आपको क्या करना है, 0.28 में 0.028 को ऐड कर देना है। यहाँ पे आ गया 8, 10, 3.0, हमारा आंसर आ गया 0.308। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी पूरा कंप्लीट होगा, और यही मेथड आपने फॉलो करना सबसे इजी है। अगर आपको इस मेथड के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी आपको प्रैक्टिस करवा दूँगी। आई होप आपको एक्सरसाइज ए अच्छे से कम्प्लीटली समझ आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।